तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं तन्नू फिर आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हुई है सुबह आई मीन शाम के 4:30 बजे से, और अभी हम यानी कि शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे से घर से, और हमारे प्यारे से पहाड़ों के बीचों बीच जो बसा है हमारा लहंगा, तो वहाँ से हो रही है। तो गाइस, अभी इतनी भयंकर बारिश लगी है बाहर, दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी बारिश लगी है। नानी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर बांध काटने के लिए, तो बारिश बहुत सारी आ गई है, तो बैठे हैं अभी। फिर दिखाती हूँ आपको कैसा हो गया अचानक से एकदम मौसम। देखो गाइस, सारी बारिश आ गई और लगी है, और बारिश कुछ अलग ही मौसम हो रखा है आज। बारिश के साथ साथ ही और धूप के साथ साथ बारिश, तो मौसम देखो आसमान कुछ इस प्रकार के रखा है। और ये रहा हमारा प्यारा सा गांव रहेगा, और यहाँ से थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है आजकल, तो इन बांध के पेड़ों को काट के थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो गाइस, ये देखो मेरा डुग्गू और इसकी माला, इसकी पूजा शुरू हो गई है, और ये इसका खिलौना वगैरह। और अभी दिखाऊं आपको, मेरे पे भी ना डुग्गू ने ऐसा बना रखा है मुझे भी, तो देखो देखो गाइस, मेरे सर में भी डाला था उसने माला, और कह रहा कि मम्मी की कुछ पहने रहा, मैं निकाल रही हूँ तो रो रहा है। मैं निकाल दूँ इसको, निकाल दूँ, ये ले रख दे। तो ये देखो गाइस, और अपनी कुर्सी को पहना रहा है अभी। तो आप देख रहे होंगे गाइस, हमारा ये वाला कमरा, ये किचन है हमारा जो नया बन रखा था, तो 1.5 साल हो गए हैं इस किचन को, और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक क्या, शायद मुझे तो लगता है शायद इनको हमने ठेका दे रखा था, तो वो अब पूरा ही नहीं करेंगे, क्योंकि बात विचार उनका कुछ नहीं है, और लोगों का बनाने पे लगे हैं, और पैसे पूरे लेके चले गए हैं, थोड़ा बहुत बचे हैं कुछ, लेकिन काम पे आएंगे। काम अभी बहुत सारा बचा है, यहाँ का काम है किचन का, ये दरवाजे वगैरह लगाने हैं, ऊपर शोकेस वगैरह है, दरवाजे हैं, अलमारी वगैरह है, तो बहुत सारे काम है, तो पूरे तो होंगे नहीं, तो देखते हैं अब दूसरे को करना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली की शादी है, कई सारे हैं, तो इसलिए तो हमें कम्प्लीट करना ही होगा। तो अभी तो बहुत सारी बारिश लग गई, तो मुझे सब करना है, तो मैं लेती हूँ आपको छप्पर जाते टाइम, और डुग्गू का रहता है यहाँ पर अपना मस्त करके। कभी कभी नहीं इसको मुझसे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता, बस रात में ऐसा होता है कि मेरे बगैर नहीं तो कुछ नहीं है ना, और अभी पेट भरना चाहिए इसका पास, जब गा रहे वो अपना मस्त खेलता है। डुग्गू गाना बोल दो, एक गाना बोल दो जरा। तो गाइस, आज लग गया है हमारा इंद्रधनुष, ये देखो। और सासू जी और नानी जा रहे हैं बांध काटने के लिए उस पेड़ में, तो इंद्रधनुष लग गया है गाइस। इसका मतलब कि क्या बोलते हैं लोग, गदरे से लगता है तो गाढ़ सूखती है, बल्कि क्या ऐसा ही बोलते हैं। तो गाइस, टाइम हो चुका है, मतलब कि 5:20 हो चुके हैं, और हम जा रहे हैं सिलकोटी। तो अभी आज मुझे ना पहली बार कोई दोस्त मिल रहा है सिलकोटी जाने के लिए, और ये है पिंकी बुड्डी, जरा इधर देखना, ये देखो डुगू की पिंकी बुड्डी और मेरी पिंकी बुआ, तो हम दोनों जा रहे हैं। इनके तो हमेशा से भैंस गाय और बैल भी हैं, तो सब वहीं रहते हैं, और ये तो हमेशा ही जाते रहते हैं, तो आज मुझे पहली बार मिले हैं, तो हम साथ में जा रहे हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बंद देखते हैं बात तक क्या क्या होता है, और हम पहुंच गए हैं छप्पर से थोड़ा नीचे, अभी थोड़ा और बचा है, और इनको ये पसीने से लड़का हो गई है, रास्ते रास्ते इंस्टाग्राम चलाने के लिए चाहिए पसीना से, देखो तो ऐसा हो गए कि क्या बोलना। तो हमारा डब्बू तो लगा ही है हमारे साथ में,
वो हमारे हिसाब लगा रहता है। जाते हैं हम, आज लेट हो गए हैं, आज थोड़ी डांट खानी पड़ेगी। ससुर जी बोलेंगे इतनी लेट में क्यों आए। तो जाते हैं फटाफट, जा रहे हैं हम, धूप भी बहुत हो रही है, मतलब कि उमियोश टाइप का हो रहा है। तो मिलते हैं सीधे छप्पर का काम ख़त्म करके इसी रास्ते पे। गाइस टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं और मैं छप्पर से निकल चुकी हूँ घर के लिए। आज मुझे लेट हो गई तो इतनी फटाफट में किया मैंने काम कि क्या बोलना था। मट्ठा भी बनाया पर देर लग गई आज मट्ठे पे थोड़ा, क्योंकि पानी जो है गर्म हो रखा था तो वो ठंडे पानी की कमी पड़ गई थी, तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रखा था ना पानी, तो इस वजह से। तो अब जा रही हूँ मैं घर के लिए। तो मोहिन ननद भी आई नहीं थी मट्ठा लेने के लिए, बोल रखा था उन्होंने, तो मैंने फ़ोन तो कर दिया था लेकिन आए नहीं थे, तो वो रखा है मैंने उनके बर्तन में, आएंगे तो ले जाएंगे। और ससुर जी ने ऐसा बोला कि लेट क्यों हो गई, बस मैंने बोला ऐसे ही हो गई। तो कुछ नहीं बोला, तब मैंने फटाफट काम करा और अभी मैं आ गई हूँ घर के लिए। तो जाते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे जंगलों के बीच से आना पड़ता है मुझे, ये देखो मुझे ये क्या, मतलब कि हमें, मुझे ससुर जी को, यानी हमारे ही छप्पर है यहाँ, तो हमको ये आना पड़ता है। जो बुआ हम मेरे साथ आई थी अभी थोड़ी देर पहले, उनका तो नीचे ही नीचे है रास्ता, तो अभी मैं अपने साथ लेके आई थी उनको, तो वो मेरे साथ आए थे आज पहली बार, मतलब कि जब से हम छप्पर आए हैं तब से मैं पहली बार आई हूँ किसी के साथ में। तो देखो सुबह में लगती ना मुझे यहाँ थोड़ा बहुत डर, ऐसे तो नहीं लगती क्योंकि मैंने फ़ोन चलाया रहता है, तो मैं सीधे आती हूँ क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जो कुछ भी होगा तो फ़ोन की आवाज़ सुन के दूर तो चला ही जाएगा ना जंगली जानवर। तो ये देखो पूरा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को मेरे पीछे कि कैसा है। ऊपर को देखो ये ऐसा बांझी बांझ, और नीचे को देखो ये बांझी बांझ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दगड़ियो। के लिए और ये है पिंकी बुड्डी, जरा इधर देखना, ये देखो डुगू की पिंकी बुड्डी और मेरी पिंकी बुआ। तो हम दोनों जा रहे हैं, इनके तो हमेशा से भैंस गाय और बैल भी